कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सुकून से होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था वेलवेट सूट, जिसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया था। मैंने सोचा शमरीर क्यों ना और सूट बनाया जाए ताकि लोगों को हेल्प हो। नहीं, मैं ये झूठ बोल रही हूँ, मैं खुद इतनी बड़ी कंजूस हूं ना, मक्खी चूस हूं ना। तो मैंने जब मैंने मीशो से वेलवेट सूट ऑर्डर करे थे ना, तो तभी मैंने सोच लिया था कि इनको भी ऑर्डर कर देते हैं और दूसरी तरफ ना हम अपने सूट खुद से, जो मैं हमेशा खुद के डिजाइन बनाती हूँ, मुझे मार्केट के वो अनस्टिच कपड़े या स्टिच कपड़े कभी पसंद नहीं आते। मैं अपने कपड़े अपने डिजाइन खुद बनाना पसंद करती हूँ। तो मैंने जब ही सोच लिया था कि मार्केट से शनील खरीद के मैं अपने सूट खुद ही रेडी करूंगी, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। लेकिन एक तरफ मैं थोड़े से सूट मंगवा भी लेती हूँ, देख लूंगी, अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो उसको भी रख लूंगी। तो अगर आपने मेरा मीशो वेलवेट सूट नहीं देखा तो जाके देख लो, और जिन लोगों ने देख लिया अगर आप दोबारा से आए हो, तो मेरी पहले वाली वीडियो थी उसमें से बहुत लोगों को सूट महंगे लग रहे थे, बहुत ज्यादा। जाहिर सी बात है मुझे भी लग रहे हैं यार, लेकिन उसमें से जो मैंने नेवी ब्लू वाला सूट लिया है ना, वो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। उसका फैब्रिक, उसका सब कुछ सारा काम, मतलब इतना वर्थ है यार, इतने में तो बनता है। लेकिन आज जो मैं सूट लेके आई हूँ ना, वाओ, आप लोग खुद बोलोगे कि शमरीन बाइक वाले भैया को निकल जाने देते हैं। चले गए। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ना, आप लोग खुद बोलोगे कि शमरीन चुम्मेश्वरी वाला काम करा है तुमने, इतने सस्ते में अगर इतने अच्छे सूट को दिलवा देना तो सलाम ठोकूंगी मैं उसे। नहीं यार, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आज के जो सूट है ना, वो बहुत ही यार अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही सही है, बिलीव मी। आपको इतने पसंद आएंगे ना, आप बोलोगे शमरीन तुम्हें ना यूट्यूबर नहीं, तुम्हें बन जाना चाहिए फैशन डिजाइनर। वाकई मैं ये सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैं यार मुझे लगता है कि मैं सही सूट बना लेती हूँ अपने। ज्यादा बकवास कर रही हूँ ना। हाँ, तो यार देखो, जो आज के सूट है ना, वो बहुत अफोर्डेबल रेंज में, बहुत अच्छी खासी प्राइस में और बहुत सस्ते में मैं आपको आज जो सूट दिखाने वाली हूँ। ज्यादा सूट नहीं लाई हूँ क्योंकि यार मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है यार, ठीक है। मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, लेकिन इतना पैसा थोड़ी कि मैं 5-6 सूट बना लूँ। यार सर्दी आती कितनी है बताओ, दिसंबर और जनवरी 2 महीने की सर्दी होती है, जिसमें 2 ही फंक्शन में हमें जाना पड़ता है, हो गया फिर। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही सूट मंगाए, और बाकी 3-4 सूट मैंने उससे मंगाए थे मीशो से, वो भी मैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लो यार, उससे आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देख के भी नहीं जाते हो। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, यहाँ दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना, दिल कर रहे हैं ना, जल्दी से दिखा, बकवास मत कर, दिखाती हूँ। ये देखो, ये है वो सूट जो बाइक वाले भैया, ये है वो सूट, देखो 1, 2, 3, ये जो रेड वाला है ना, ये सूट नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इससे, बेबी बेबी पिंक पिंक, इससे हम स्टार्ट करेंगे। ये देखो यार, ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ। इस कलर को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, पिंक, बेबी पिंक, फलाना पिंक, धमाका पिंक, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि ये पिंक सा कलर है और इसके ऊपर ये सफेद कलर की हमने लेस लगवाई है। तो ये हमने लिया, दिखा दू यार, बकवास कर रही हूं मैं। देखो यार, पहला सूट मेरा ये है, वी मैंने इस पे ये गला बनवाया, सिंपल, ज्यादा तामझाम नहीं करती मैं अपने कपड़ों में, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो भरे हुए कपड़े, आई हेट। स्लीव पे लेस लगवाई है, एंड अलग से मैंने ये वाली लेस लगवाई है, पास से देख लो, कट दाने वाली अलग से, ये वाला रियल कट दाना है, ये वाला फेक वाला है, मैंने यहाँ लगवाई है दामन पे लेस। अभी सूट में मुझे लूज कपड़े पहनने पसंद है, अगर आप लोगों ने मुझे कभी सुना है तो मैं बता दूं, मुझे लूज कपड़े पहनना पसंद है। लेकिन आप लोग कोशिश करना, अगर आपको भी लूज कपड़े पसंद है पहनना, शनील में मैंने ये वाला सूट बनवाया था लूज, लेकिन बिल्कुल भी लुक नहीं आ रहा था, बहुत अजीब लग रहा था ऐसे, मतलब बिल्कुल भज्जो सी लग रही थी मैं, मजा नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसकी फिटिंग करवाई, जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई, मतलब मेरी ही करतूत की वजह से इसकी थोड़ी सी ऐसी हालत हुई है, बुरी नहीं है, मैं पहन के दिखाऊंगी ना तो गिर जाओगे। मतलब मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, मैंने बनवाया है, तो अगर आप इसमें लूज बनवाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल भी मत बनवाना। फिटिंग में आपको इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा जैसे मुझे लगता है थोड़ा सा घुटा घुटा, नहीं, मतलब एकदम कंफर्टेबल है, क्योंकि स्ट्रेच कर रही थी थोड़ा सा, शनील है ना तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। शनील मैंने ली थी 100 रुपए मीटर, इस बात पे गौर देना, 100 रुपए मीटर मैंने शनील ली थी, मैंने ली थी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर हो गए सीधा सीधा मैंने 250 रुपए की। उसके बाद मैंने इस लेस को लिया था, और ये लेस मुझे उन भैया ने दी थी 60 रुपए मीटर, उन्होंने बोली तो 90 रुपए मीटर थी, मेरा तो वहीं सुन के शायद वहीं पे मेरा कत्ल हो जाता। लेकिन फिर मैंने अपने दिल को संभाला, मैंने कहा नहीं, बार्गेनिंग करना तो हमारा बचपन से हमारी अम्मी ने हमें सिखाया है। तो मैंने कहा भैया मैं 60 रुपए मीटर दूंगी, देनी है तो दो, और भैया मान गए। फिर
फिर मैंने 60 रुपए मीटर से, आई थिंक ये मैंने 2.5 मीटर ली थी, हाँ, क्योंकि मैंने इसकी स्लीव्स काफी चौड़ी चौड़ी बनवाई है, तो इसलिए 2.5 मीटर ली। तो 2.5 मीटर मान लो आप 150 रुपए की, 100 रुपए वो और 250 रुपए की हमारी वेलवेट, कितना हुआ हिसाब आप खुद ही लगा लो, ठीक है। तो यार इतने सस्ते में मैं ये समझती हूँ, देखो यार अपनी जगह वो मीशो जो मैंने वेलवेट सूट करा था ना, वो भी बिल्कुल उसके प्राइस के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि उसने आपको कोई टेंशन नहीं ले रही है, सिला सिलाया अपने आपने मंगाया और आप पहन के चले गए पार्टी में। दुपट्टा भी आप उसको मतलब दुपट्टा आपको उसमें काफी अच्छा मिल रहा है, आई थिंक उसको शिफॉन बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हैं, नहीं टिशू बोलते हैं, टिशू का दुपट्टा वहां मिला, पूरे में कढ़ाई हो रखी थी, तो वो भी वर्थ था। लेकिन ये जो है ना, ये उससे भी ज्यादा मतलब कमाल की चीज है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सूट नहीं बनाया तो आप ये बना सकते हो। देखो इसके अलावा मैंने इसकी बनाई थी ये पैंट, जो मैंने बताया कि मैं सिंपल पैंट पहनती हूँ, देखो सिंपल बिल्कुल मैंने कुछ नहीं कराया, नॉर्मली जो मेरा मतलब प्लाजो पैंट होती है सिंपल वही बनवाई है, कुछ भी कहीं नहीं लगवाया। इसके बाद जो हमारी सेकंड चीज है, सूट नहीं दिखाऊंगी पहले कुछ और दिखाऊंगी, देखो सेकंड चीज जो मैंने बनवाई है ना एकदम बढ़िया, ये मैंने बनवाई थी शॉल, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि जब हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं ना तो यार वो हुड मतलब कार्डिगन वगैरह पहनना या ब्लेजर वगैरह पहनना ना हर चीज पे सूट नहीं करता, तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं एक शॉल बनाऊं, तो मैंने शॉल के लिए कलर यही वाला चुना मैरून, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैरून और रेड को ना किसी भी चीज के साथ कंट्रास्ट कर सकते हो। आई नो हम लोग ब्लैक भी बना सकते थे, लेकिन ब्लैक मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये बहुत अट्रैक्टिव सा लग रहा था। और इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, इतनी सस्ती शॉल अगर कहीं बन जाए ना, वही सेम इसके प्राइस है, 100 रुपए मीटर मैंने इस फैब्रिक को लिया, और बिलीव मी ये इतना चौड़ा था, मतलब ये आप देख रहे हो इसका ये साइज कितना अच्छा खासा साइज है, इसका इतना ही और था, तो मैंने बीच में से कट करके 100 रुपए मीटर मैंने लिया था, 2.5 मीटर ही लिया था मैंने इसको भी, फिर मैंने घर लाके इसको बीच में से कट करा, आधा दिया मैंने भाभी को और आधा मैंने रखा खुद। अब आप समझ सकते हो दो बंदे भी अगर पैसे डाल के इसको खरीदे तो कितनी सही रेट में आपको ये शॉल मिल रही है। उसके बाद मैं गई थी मंडे मार्केट, कभी गई थी तो वहां से मैं ये वाली लेस लेकर आई थी 5 रुपए मीटर या फिर 10 रुपए मीटर, और ये मैंने 7-8 मीटर खरीदी, तो इसको लगा ली और देखो ये कितनी कितनी सुंदर लग रही है, मतलब कितनी सही लग रही है। आप इसको किसी भी चीज के साथ पहन सकते हो, किसी भी चीज के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हो। सही से आ जा यार, क्यों नाटक कर रही है, ये देखो ला ला ला। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल बर्थ से भी बर्थ है, मतलब इतनी अच्छी में और इतनी सस्ती में, और एक से भले दो हम इसको मतलब एक ही ना बनाए हम दो बना सकते हैं, पता नहीं कहावत मैंने सही कही है नहीं कही। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा खर्चा और करा है, अभी रुको जरा सबर करो। इसके अलावा मैंने बनवाया था तू जो कहेगी मैं वैसा करूंगी, तेरी हर जिद को पूरा करूंगी, ये बिल्कुल मेरे लिए, मेरे सूट ना मेरे लिए ऐसे होते हैं, मतलब मेरी जॉन, जो मेरे जितने भी सूट है ना वो मैं खुद से रेडी करती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा पाकिस्तानी सूट का नहीं देखा है जो मैंने खुद से बनाया, तो प्लीज आप जाके देख लो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास जितने भी सूट है ना वो मैंने खुद से बनाए हैं, खुद से रेडी करे, मैं अपने सूट खुद ही बनाती हूँ। तो अगर आपको इसके अलावा भी मेरे सूट देखने हैं ना, तो प्लीज नीचे मुझे लिखकर बता देना कि हाँ भाई हमें हेल्प चाहिए कि सूट की डिजाइनिंग कैसे करनी चाहिए, जो बहुत अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छे खासे आपको मिल सकते हैं, और कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि वो आपने घर में बनाया है, बिलीव मी वो इतने सही लगते हैं पहनने के बाद। तो आप बता देना मुझे, एक और वीडियो बना दूंगा। इसके बाद है हमारा ये सूट, इस सूट का पहले पैंट दिखाऊं या ये दिखाऊं, ये दिखाती हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, पहले देखो अगर जिन लोगों ने मेरा मीशो वेलवेट सूट देखा है तो वो समझ जाएंगे, समझ गए ना, समझ रहे हो। तो ये मैंने इसलिए बनवाया था क्योंकि जो मेरा वो नेवी ब्लू वाला सूट था वो मुझसे ले लिया एल्मा ने, जब मैं उमर के बर्थडे में पहन के गई तो उसको इतना अच्छा लग रहा था कि उसने बोला कि अप्पी इसको मुझे दे दो, मैंने कहा ठीक है तू रख ले। और फिर मैं ये सिलवा भी रही थी तो मैंने इसका डिजाइन बदलवा दिया, पहले मैं इसको सिंपल बनवा रही थी लेकिन फिर मैंने इसका डिजाइन ही ऐसे बनवाया, देखो आप पास से देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसे मैंने ये लेस लगवा ली इसमें, बाकी सिंपल है पूरा, कहीं पर कुछ नहीं, जो नॉर्मल प्लाजो पैंट होती है वो ऐसे ही मैंने बनवाया है। और इसकी बनवाई है मैंने ये कमीज, ये देखो सेम रेट में मुझे सारी शैनील जो है वो 100 रुपए मीटर ही मिली थी, इसकी भी मैंने 2.5 मीटर ही खरीदी थी पूरे सूट के लिए, नहीं इसकी मैंने 2 मीटर खरीदी थी, क्योंकि इसकी जो मैं पहले बता रही हूँ, पहले जो देखने आए हो आप लोग वो तो मैं दिखाई नहीं रही हूँ। तो ये इसकी स्लीव्स है, पहले आप इसकी स्लीव देखो कितना खूबसूरत लग रही है, मतलब यार मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी पर्सनली, जब मैंने ये फैब्रिक देखा था ना और जब मैंने इसके रेट सुने थे 300 रुपए मीटर, मतलब
जोश में आई, मैंने कहा नहीं हम कुछ कर सकते हैं इसका। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम इसको सिर्फ एक मीटर, सॉरी सिर्फ आधा मीटर ही ले और हम सिर्फ इसकी स्लीव्स बनवाएं हैवी हैवी और बाकी पूरा सूट सिंपल। तो मैंने इस वाले वेलवेट को लिया आधा मीटर और इसकी मैंने बनवाई सिर्फ स्लीव्स और बाकी मैंने ये प्लेन कपड़ा लिया और ऐसे बनवाई। यहाँ मैंने ये लेस लगवाई, ये लेस मुझे मिली थी 20 रुपये मीटर, तो मैंने ये लेस लगवाई। आपको भी इतने की मिलेगी, सब जगह इतने की है। तो यहाँ मैंने सेम वी गला बनवाया क्योंकि जब से मैंने वी गले पहनने शुरू हो रहे हैं ना मुझे इतने सही लगते हैं और ये पाकिस्तानी में बहुत ज्यादा चलते हैं तो मुझे अच्छा लगा। तो सेम मैंने इसका वी गला बनवाया। स्लीव्स मैंने भैया अस्सलाम वालेकुम, वी लेस मैंने यहाँ आगे की तरफ लगवाई है दोनों तरफ देखो, और सेम लेस लगवाई है मैंने यहाँ नीचे दामन पे। उसके अलावा मैंने कहीं भी कुछ नहीं लगवाया, सिंपल सिलवाया है यार। तो यार मुझे लगा कि ये काफी अच्छे हैं और आप लोगों को इससे हेल्प मिल सकती है। 100 रुपये मीटर आपको कपड़ा खरीदना है, 20-30 रुपये 60 रुपये मीटर आपको लेस मिल जाएगी। 500 के अंडर में आपके मुझे लगता है ये सूट आपके रेडी हो रहे हैं, 500 तक ही रेडी हो रहे हैं। एंड हाँ, मैंने इन दोनों के दुपट्टे नहीं बनाए हैं क्योंकि एक तो मैं इनको हिजाब के साथ स्टाइल करूंगी, जरी भी करूंगी, लेकिन हाँ पिंक वाले का तो मैं दुपट्टा नहीं बनवाऊंगी, उसके साथ मैं ऐसे ही स्टॉल पहन लूंगी। एंड इसके साथ मैं दुपट्टा बनवाऊंगी, कैसा बनवाऊंगी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये मेरे दूसरे सूट के साथ का दुपट्टा, और आपने मेरा ये वाला सूट देख लिया ना कसम से, तो मैं सेम ऐसे दुपट्टा बनवाऊंगी, नेट खरीदूंगी ऐसी। अभी मुझे मतलब सेम कलर की नेट कहीं पे नहीं मिल रही है तो मैंने इसलिए अभी नहीं बनवाया है, और इतना टाइम भी इसलिए लग गया है इन सूटों को, वरना मैं कब का इनको बता देती आप लोगों को। तो ये नेट का मैं सेम ऐसे ही दुपट्टा लाऊंगी, या तो उसके चारों तरफ ही लेस ही लगवाऊंगी या फिर सिर्फ ऐसे पल्लू पल्लू पे लगवाऊंगी। तो सेम मतलब अगर आपको भी बनाना है दुपट्टे के लिए, अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो नेट का ही दुपट्टा बनाना, वो इस पे ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, बाकी आपको जो बनाना है वो आप बना सकते हो। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे सूट आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आप मेरा आगे का कलेक्शन भी देखना चाहते हैं तो मुझे बता देना। आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना और दुआ में मुझे हमेशा याद रखना। अल्लाह हाफिज।